Hey guys, assalamu alaikum. Welcome to an end the vlog. Hope you're all fine. Alhamdulillah, we are also fine. आज सुबह सुबह मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, ठीक से व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सुबह से ही व्लॉग शुरू कर दूं। मैं अभी उठी हूँ, अभी बज रहे 9:30। आज लेट हो गई है, थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि बच्चों के वेकेशन शुरू हो गए हैं, मिड टर्म वेकेशन। तो बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तो अभी उनके वेकेशन चल रहे हैं, 10 डेज की मिड टर्म वेकेशन है। तो अब हम लोग थोड़ी देर से उठ रहे हैं। वैसे सुबह में नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी, नमाज के लिए उठी हुई थी तो नमाज़ पढ़ के दोबारा से सो गई। और मुझे थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है क्योंकि ये मेरी एलर्जिक सर्दी है, एवरी मॉर्निंग मुझे एलर्जिक सर्दी रहती है। तो मे बी आप लोगों में से बहुत से लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ी देर रहती है और बाद में अपने आप कम हो जाती है। अभी मैं ब्रश करके बैठी हूँ, अभी मैं जाऊँगी अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के लिए। वैसे मॉर्निंग ड्रिंक के लिए बहुत देर हो गई है, बट डे मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। मेरा मॉर्निंग ड्रिंक तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं गर्म पानी में लीमू निचोड़ के लेती हूँ, वही मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है। तो अभी मैं जाऊंगी बनाने के लिए। बच्चे अभी सो रहे हैं, शयान तो शयान उठ के आ गया है, इरिक के शयान यहाँ पर बैठा हुआ है, वरना ये जल्दी उठता नहीं है। पता नहीं आज कैसे जल्दी उठ गया है। आज कैसे जल्दी उठ गए हो? जब क्लासेस रहते हैं तो जल्दी उठते ही नहीं है बच्चे, क्लासेस नहीं रहते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं। तो अब मैं जाती हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक बना लेती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी मैगी, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे कि मैगी चाहिए, तो मैं मैगी लेके आई हूँ तो वही बना दूंगी। और बच्चे उठने के बाद में ही बनाऊंगी, मैगी बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं उठने के बाद में ही बनाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना ड्रिंक बनाने के लिए। तो यहाँ पर है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक, इतने बड़े से मग में मैं बना के पीती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत वाटर का इनटेक, ज़्यादा वाटर का इनटेक हो सके, क्योंकि पूरा दिन इतना बिजी रहते हैं तो पानी पीने की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है, तो इसलिए। लोगों को दिखाती हूँ, तो ये देखिए, वार्म वाटर विथ लेमन जूस, ये है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक। तो मॉर्निंग में इतना बड़ा सा एक मग वाटर मैं पी लेती हूँ, बाद में डे में बिजी रहते हैं काम में तो ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता है, बट जितना हो सके उतना पानी को पीते रहना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। ये देखिए, शायद परशेजा भी उठ के आ गई है, तो अब मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। क्या खाना है ब्रेकफास्ट में? मैगी। यस, मुझे पता था। तो आज हम लोग बनाएंगे मैगी। ऑनलाइन क्लासेस है आप लोगों के? नहीं। क्यों क्यों क्लासेस नहीं है ऑनलाइन? शुरू हो गए। चलो दोनों जाओ और ब्रश कर लो। बाद में। क्यों बाद में? नहीं, जल्दी से ब्रश कर लो, ऑलरेडी अभी तो बज गए 10। ब्रश कर लो और ब्रेकफास्ट भी बनाना है, चलो जल्दी फास्ट। देखिए लकी, लकी को भी आप लोगों ने बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो इसको भी देखिए, लकी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो रहा है। मॉर्निंग ड्रिंक खत्म करके मैं आ गई हूँ किचन। अब मैं कट कर रही हूँ सब्जियों को। सब्जियों में मैंने लिया है कैरेट, कैप्सिकम और यहाँ पर है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैं बना रही हूँ मैगी विथ वेजीज। तो यहाँ पर है कैप्सिकम और मैं लूँगी हाफ कैप्सिकम और इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। तो इस तरह से सब्जियों को मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर है मैगी, तो मैं कल लेके आई थी,
मुझे लगता है इस तरह के बड़े पैकेट में क्वालिटी अच्छी आती है कंपेयर टू छोटे पैकेट्स। पता नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। तो इस पर दिया गया है कि किस तरह से बनाते हैं मैगीज विद वेजीज, तो उसी को देख के मैं बनाऊंगी। तो मैंने अनियन भी कट कर लिया है, यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है। जब तक चाय पकती है तब तक मैं टमाटर कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने टमाटो को कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने रख दिया है कढ़ाई। यहाँ मैं बना रही हूँ मैगी अलग से शेज़ा के लिए, क्योंकि वेजीज वाला मैगी वो नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं प्लेन मैगी बनाऊंगी। जस्ट उसमें जो टेस्ट मेकर आता है उसी पाउडर को डाल के बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है मैगी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ टेस्ट मेकर पाउडर जो मैगी के साथ में आता है। ये रही शेजा की मैगी बन के रेडी हो चुकी है। हेलो शेजा, जाओ ब्रेकफास्ट करो। तो अब मैं बना रही हूँ हमारा ब्रेकफास्ट। तो मैंने कढ़ाई रख दिया है और ऑयल भी डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत गरम मसाले। दूसरी तरफ मैंने रख दिया है पानी को बॉईल होने के लिए। तो बॉईल हो चुका है, तो उसमें मैं अब डालूँगी मैगी। तो यहाँ पर मैं वेजीज़ को और मैगी को अलग अलग कुक कर रही हूँ। मैगी अच्छी तरह से कुक होने के बाद में, और इधर वेजीज़ को मैं हाफ कुक कर लूँगी और उसको बाद में मैगी में ऐड कर दूँगी। तो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं डालूँगी अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको थोड़ी सी फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं डाल रही हूँ कैरेट एंड कैप्सिकम। अब डाल रही हूँ टमेटो। तो मैगी पक चुकी है, थोड़ा सा पानी है तो उसको ड्राई कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से मटर को भी बॉईल कर लिया था, तो उसको भी ऐड कर लूँगी। यहाँ पर है टेस्ट मेकर जो मैगी के साथ में जो आता है। तो सूखे मसालों में मैं इसी को ऐड करूँगी और कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी। इसके साथ में अगर मैगी मैजिक मसाला हो तो और भी टेस्ट अच्छा आता है। अगर हो तो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गई थी तो मैंने नहीं डाला। तो इसी पैकेट में जो दिया गया है उसी को देख के बना रही हूँ। यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है, तो अब वेजीज़ को मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद में थोड़ी देर ढक कर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, मैंने रेडी कर दिया है, सब वेजीज़ को और मैगी को मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर इसको मैं ढक के रखूँगी, थोड़ी देर ढक के रखती हूँ। यहाँ पर चाय भी पक चुकी है, तो अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बहुत देर हो चुकी है। ये देखिए शायान किस तरह से खा रहा है। मैगी कैसी बनी है शायान? मैगी कैसी बनी है? फुल। आप लोगों की चाय इधर है और ये रही मेरी कॉफी, ब्लैक कॉफी। तो यहाँ पर सब लोग नाश्ते के लिए बैठ चुके हैं। शेजा ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया है, ये रहा मेरा नाश्ता। कुछ लिखा हुआ है आपको? मिलती हूँ आप लोगों से लंच में। क्या पर मैंने कपड़ों को डाल दिया था धोने के लिए,
और धुल गए हैं कपड़े। तो मेरा लंच भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए मैंने बनाया है चावल और यहाँ पर सालन और यहाँ पर चिकन टिक्का बन रहा है। तो ये है हमारा आज का लंच। तो हम लोगों का खाना हो चुका है और मैं अब थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे बनाना था रील्स। तो अब मैं बनाऊंगी रील्स। यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही है, मौसम एकदम ठंडा है, सुबह से बारिश हो रही है। आप लोगों के यहाँ क्या बारिश हो रही है आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मौसम। ये है बाहर का नज़ारा और सुबह से बारिश हो रही है क्योंकि वहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा भीगा हुआ है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बारिश कितनी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। रील्स आप लोग इंस्टाग्राम में देख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है हसीना एस शेख। तो वहाँ जो ऊपर दिख रहा है वे लोग वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर डेली मैं अपडेट्स देते रहती हूँ, डेली स्टोरीज लगाती हूँ और रील्स भी डालती हूँ। तो वहाँ पर आप लोग मुझे देख सकते हो और भी करीब से मुझे जान सकते हो। तो अभी मैं थोड़े बहुत रील्स बना लेती हूँ तो मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। ये देखिए बारिश। कितनी बारिश हो रही है सुबह से, इसी तरह से बारिश हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए अभी बज रहे हैं सिर्फ 4:30 और ये देखिए घर के अंदर कितना अंधेरा है। मैं आ गई हूँ बाहर तो मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग यहीं पे एंड कर दूँ। तो आज का व्लॉग यही तक था। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।